Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देवी अहल्या ने दे दी खुद ही एक बड़े तूफान को हवा। अब द्वारका बाई के हत्थे चढ़ के मालेराव करेगा बगावत। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई शो देखने वाले दर्शकों का हंग्री स्पिरिट चैनल में मैं नवीन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर, आज के इस मामले के ऊपर कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता है जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, मालेराव और केसर को रोकने के लिए देवी अहिल्या मजबूर हो जाती हैं। जब मालेराव सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की जिद कर लेता है, तब देवी अहिल्या ने यह तरीका अपनाया कि उन्होंने मालेराव से एक रात का समय मांगा और उस रात को देवी अहिल्या ने केसर को वहां से भेज दिया, भगा दिया। तो मालेराव ने तो देवी अहिल्या के ऊपर ट्रस्ट करके, विश्वास करके वो समय दे दिया था। अब हम बात करते हैं मालेराव के पॉइंट ऑफ व्यू से। मालेराव जो को बचपन से जिसको कभी लगा ही नहीं कि मेरी आयशा मुझसे प्यार करती है, वो तो बोलती है कि इनके लिए मालवा पहले है, बच्चे बाद में। तो यहां पे मालेराव ने बीच बीच में कभी कभी आई साहब का जो है शौर्य देख के, आई साहब की बहादुरी देख के, उनका कंपैशन देख के, कहीं ना कहीं मालेराव के अंदर अच्छाई और वो चीजें जागती है, प्रेम अपनी आई के प्रति। अब जब ये बड़ा धोखा खाएगा वो, तब मालेराव सच में बिल्कुल विश्वास करना बंद कर देगा अपनी आई। वो नहीं समझ पाएगा कि ये बेहतरी के लिए है या क्यों है। अब घर वाले जो दुश्मन है वो तो फायदा उठाएंगे उठाएंगे। उसके बाद वो केसर के पीछे जाने लगता है, जब गुल्लू जी उसको बता देता है कि भाई वो तो गई, भेज दी, तो उसको देवी अहिल्या दरवाजे बंद करवा देती है, उसको पकड़ लिया जाता है मालेराव को। लेकिन मालेराव वो आग है, मालेराव वो तूफान है, कहां तक रोक के रखेंगे। अब यही द्वारिका और गुनू जी इस चीज का फायदा उठाएंगे और मालेराव को घर से बाहर निकालने में करेंगे मदद। और फिर मालेराव जाएगा केसर को ढूंढने, केसर के पीछे। और हो सकता है मालेराव यहां पे राघवा के भी हत्थे चढ़ जाए दोस्त। तो एक बड़ा तूफान होलकरवाड़ा की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। कैसे रोकेंगी उसको देवी अहिल्या, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।